हेलो गाइस, G4 के लैपटॉप इस टाइम बहुत ही कंडीशंस ख़राब है इनके, क्योंकि ये 11-12 साल हो गया। अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। मार्केट में जितना आ रहा है अभी इसी का सारा आ रहा है, G4 का आ रहा है। तो इसमें इशू एक आया हुआ है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपनी डाल रखी है जो वाइट डिस्प्ले की इशू थी उसके रिगार्डिंग, बट इसमें वाइट डिस्प्ले की इशू ना आके एक दूसरी इशू आ रही है, जो कि मैं उस कंडीशन के उस सिचुएशन को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर वो सिचुएशन आता है तो भी उसी प्रॉब्लम को भी उसी आईसी से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे ये अभी मैंने पावर इंजेक्ट कर दिया है, इसमें आपका 26.026 मिली एम्पियर लोड ले रहा है। ये मतलब एकदम स्टेबलिश पावर है, आपका पावर लगाते ही रेडी हो जाता है, ट्रिगर करने के लिए तैयार होता है। अब हमें इसमें सिर्फ ट्रिगर करने की ज़रूरत है, ट्रिगर करते ही बोर्ड ऑन हो जाएगा आपका। ये ट्रिगर कर दिया हमने, ये बोर्ड ऑन कंडीशन में हो गया, आपका एम्पियर लेगा 1.1, मतलब ये डिस्प्ले आ चुका है बट स्टिल डिस्प्ले आपका दिखा नहीं रहा है स्क्रीन पे। ये ब्लैक स्क्रीन है, पूरा ब्लैक स्क्रीन आप कह सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन। हाउ टू सॉल्व ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले, तो ब्लैक स्क्रीन में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इस केस में आपका इस आईसी से प्रॉब्लम है, जो 5 पिनों की आईसी है। आप स्कीमेटिक में आपको बता देता हूँ, जैसे ये आईसी है आपकी, आपका जो कि 5 पिनों की होती है, 5 नंबर पिन और 4 नंबर पिन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसमें वोल्टेज इंजेक्ट होता है 3 वोल्ट का। ये 3 वोल्ट का इंजेक्ट वोल्टेज होगा और आपका आउट देता है ये 1 नंबर पिन, जो LCD के लिए जाता है, 3 वोल्ट LCD के लिए जाता है। ये आपका इस कॉइल से होते हुए ये आपको LCD के लिए जाएगा। एक ग्राउंड होता है 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन ऑन ऑफ का देता है, जो डिस्प्ले ऑन ऑफ कर रहा है, जो डिस्प्ले को ऑन ऑफ करता है, ये उसके ऑन और ऑफ को कंट्रोल करता है। तो ये 5 टांगों की आईसी है जो बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका 5 टांगों की आईसी, ये देखिए ये 5 टांगों की आईसी है, सेम वही है। इससे ये 5 टांगों की जो आईसी यही है, सेम इसी को ये यहाँ पे स्कीमेटिक में मैं बता रहा था आपको। अब इसमें कुछ करना नहीं है, या तो सेम बोर्ड का अगर आपको मिल रहा है, और सेम बोर्ड का आपको मिलता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए या इसको जम्फर कर दीजिए। जम्फर क्या करना है, आप कहाँ से कहाँ करना है आपको, आप देख सकते हैं। जम्फर आपको ये 5 नंबर पिन से 1 नंबर पिन को करना है, मतलब इस 3 वोल्ट को आपको बाईपास कर देना है इस आईसी के थ्री ना के, यह 5 नंबर से 3 नंबर 5 से और 1 पे जम्फर कर देंगे। ये जम्फर करते ही आपका 3 वोल्ट को बाईपास करके डायरेक्ट आपको LCD ये कनेक्टर पे चला जाएगा और यहाँ से डिस्प्ले आपका आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ लीजिए, देखिए अभी मैं बोर्ड को बंद कर दिया, बोर्ड मैंने बंद कर दिया। ट्रिगर करने से पहले मैं इसको शॉर्ट करा रहा हूँ, शॉर्ट ये कर रहा हूँ, ये 1 नंबर पिन और 5 पिन को मैं शॉर्ट कर रहा, ये शॉर्टिंग कर दिया, मतलब जम्फर मारने से पहले मैं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट कर दिया। ये हमने ऑन कर दिया, अब ये ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर कर दिया मैंने। अब 1 नंबर और 5 नंबर को मैंने शॉर्ट करके रखा, देखिए डिस्प्ले मेरा आ गया। ये सिंपल सा एक है ये फंडा, मतलब ये ब्लैक स्क्रीन पे भी ये 3 वोल्ट का नहीं जाता है तो भी ये ब्लैक स्क्रीन रहती है। इसमें एक और वाइट स्क्रीन का भी जो इशू आता है, इसी के रिलेटेड इशू आता है। तो हम इन दोनों केस में ये इसको में हम लोग को चेक करना ज़रूरी है। देखिए अभी हटाते ही डिस्प्ले बंद हो गया, इसको हटाते ही डिस्प्ले बंद गया। तो हम लोग इसको या तो चेंज कर देंगे या तो जम्फर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आईसी नहीं मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।